वो कुछ भी करते जा रहे हैं, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। वो अशोक के चिन्ह का स्वरूप बदल दिया, ये कोई सामान्य बात नहीं है। किसी को भी दिखाओगे समझ में आएगा। मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ, पटेल छोटी मूर्ति हो, पटेल की बड़ी मूर्ति हो, गांधी की छोटी मूर्ति, गांधी की बड़ी मूर्ति, बाबा साहब की मूर्तियाँ बनी है, चलो नागपुर दिखाएं, बड़ी से बड़ी मूर्ति भी बाबा साहब की, चेहरे का भाव सौम्यता वही है। ये तमाशा जो किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक तमाशा है। इस पर कोई कानून लागू क्या होगा? जैसे राम का गुस्सा, हनुमान का गुस्सा और ये चिघाड़ता हुआ शेर, ये कमजोर पर चढ़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि जिस राम को गुस्सा आया एक आध बार चीन की तरफ घुमा दो उस गुस्से को। मैं तो चाहता हूँ कि जिस हनुमान को गुस्सा आया है एक बार इस देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको दवाई नहीं मिल रही, हनुमान को गुस्सा आया है, मैं गरीबों की गरीबी दूर करूँगा। आज आप ताकत में हो, आज इसका हिंदूकरण करते जा रहे हो, कल को कोई और ताकत में आया वो उसका अपने विचार के धारा में मोड़ने लगे तो राष्ट्र तो एक ऐसा खिलौना बन जाएगा जिसको जो ताकतवर था वो उसे खेलने लगा, इसलिए कानून बनाए गए। ये संसद भवन को देखने हर व्यक्ति आएगा और उसी एंगल से देखेगा जिस एंगल से तस्वीर दिखाई गई है, उसे कोई सौम्यता नज़र नहीं आएगी, उसे वो दांत नज़र आएंगे। कल को उस दांत से कोई प्रेरित होकर के, जैसे कहा जाता है ना कि राम से प्रेरित होकर के जय श्री राम के नाम पर लिंचिंग हुई ना, राम होते तो क्या गुजरता। समान समाजशास्त्र और मनोविज्ञान कहता है आप हिंसक उसी के ऊपर होते हैं जो या तो आपसे कमज़ोर है या आपके बराबर है। अमूमन आप अपने से ताकतवर को के ऊपर कभी हिंसक नहीं होते, वरना पाकिस्तान के ऊपर जितना भ्रकुटी तनी होती है वो चाइना के ऊपर भी होती है। हमें पता होता है कि किसको दुश्मन बना के पेश करना है और किसके खिलाफ कोई बात ही नहीं करनी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि भारत का इतिहास असल मायनों में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच के संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। ये संदेश, ये वाक्य कहता है कि किस तरह से भारत में जो बौद्ध विरासत है, मूल निवासियों की सभ्यता है, उसको किस तरह से ब्राह्मणवादी तरीके से हड़पा जाता है, उसके संघर्ष की उसकी कहानी को बयां करने वाला वाक्य है। और ऐसा ही कुछ मौजूदा दौर में हो रहा है। देश के संसद भवन के पास हम खड़े हैं, यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर नया संसद भवन बन रहा है जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। चार शेरों की मूर्ति है, लेकिन जिस तरह से मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके सौम्य स्वरूप को आक्रामक बना दिया है, वो क्या दर्शाता है? क्या इसके पीछे बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की साजिश है? इस सब पर हम बात करेंगे, इसके क्या मायने हैं। हमारे साथ जाने माने विचारक डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत शुक्रिया आपका। आपने तस्वीर देखी होंगी कि एक नया अनावरण हुआ है नए संसद भवन पर, जिसमें बहुत विशाल का 6.5 मीटर की जो अशोक स्तंभ है उसमें मूर्तियाँ हैं शेर की। वो उसके बाद एक विवाद हुआ कि ये जो मूर्तियां हैं ये हिंसक प्रवृत्ति को दिखाती हैं, आक्रामक प्रवृत्ति को दिखाती हैं। आपको भी नज़र आया वो कि वो वाकई ऐसा है या हमारे देखने में कोई कमी रह गई? नहीं, निश्चित रूप से ये एक फ़र्क जो होता है, मैं तुलना कर रहा हूँ कि सरदार पटेल तो 5.5-6 फुट के आसपास, 6 फुट भी नहीं थे, 5.5 फुट के आसपास उनकी हाइट थी, और सरदार पटेल की मूर्ति सैकड़ों फिट ऊपर बनी है लेकिन चेहरे में तो कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अभी ये जो तर्क मैं सुन रहा था, जिन कलाकारों ने ये बनाया है उन्होंने कहा कि चूंकि बहुत ऊंचा वो अशोक स्तंभ बना है तो नीचे से देखने पर आपको दांत नज़र आ रहे हैं, आपको उसमें एक उग्रता नज़र आ रही है, वो केवल आपके नज़र का फेर है। मुझे यह लग रहा है कि नहीं, नज़र का फेर नहीं है, जो यह सब कुछ पेश कर रहा है हमारे सामने उसे भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो क्या बदल रहा है, वो क्या संदेश देना चाहता है, और समझदार लोग भी ये बात समझ रहे हैं। अन्यथा दो किस्म के विमर्श इस पूरी बातचीत में नहीं आते। पहला विमर्श जो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई छेड़खानी हुई है, वो बिल्कुल हूबहू है, आकृति बड़ी है इसलिए ऐसा हुआ है। सरकार कुछ बोलती नहीं है, सरकार बस कुछ है तो होता है ना, बीजेपी तो इस समय वहाँ खड़ी हुई है कि कोई वो कुछ भी काम कर दे रही है फिर उसके बाद खामोश रहती है। किसान आंदोलन की तरह अगर आप बहुत ताकतवर होकर लड़ जाएँ, 2 अप्रैल के भारत बंद की तरह कर लें, 5 मार्च के भारत बंद की तरह कर लें, तो चुपचाप झुक जाएगी, फिर अचानक प्रधानमंत्री आके बोलेंगे कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। बाकी बीजेपी अमूमन कोई भी चीज़ वो पत्थर कांकड़ तालाब में फेंक करके फिर तमाशा देखती है। अगर जनता खामोशी से सब कुछ सुन ले तो उनका काम हो गया, अगर बहुत विरोध किए तो वापस ले लेंगे। इसलिए इस मामले में देखिएगा बीजेपी बहुत बहुत वोकल होकर के नहीं बोल रही। लेकिन दूसरा जो विमर्श है, कुछ लोग हैं जो एंकर बने बैठे हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ अखबार में लेख लिखने वाले लोग हैं, कुछ और लोग हैं जो सरकार के सिंपथाइज़र हैं, वो उसके पक्ष में खड़े हो गए।
शेर है तो दहाड़ता हुआ ही दिखेगा, शेर है तो बकरी तो दिखेगा नहीं, शेर है तो शेर में दांत भी दिखेंगे, दांत भी दिखेंगे। और आप देखें टीवी में, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, एनडीटीवी के अखिलेश शर्मा हो, वो खुलकर लिख रहे हैं कि शेर है तो दहाड़ेगा ना भाई, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उनको कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि या तो वो वाली बात सही है कि हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, वो देखने का भरम है, या तो ये वाली बात सही है जो ये कह रहा है कि नहीं भाई शेर है तो शेर की तरह होगा। क्या अशोक, जिसने अशोक स्तंभ बनवाया लगभग 2000 साल से ज़्यादा पहले, न तो उतनी शानदार तकनीक थी, न तो बहुत कलाकारी थी, फिर भी एक ऐसा शेर का प्रतीक है जिसे देख करके आपको डर नहीं लगता? मेरी व्याख्या केवल इतनी, हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम शब्दों के पीछे अर्थ छिपे होते हैं, प्रतीकों के पीछे से कैसे भाव निकलते हैं, संवेदनाओं को कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, हम कला साहित्य वाले लोग इसको पढ़ते और बरतते हैं। हम इसलिए हम मूर्तियों को देख करके उतनी बारीकी से भले ना बता पाए जितना एक मूर्ति कला का दक्ष व्यक्ति बता सकता है, मगर एक सामान्य भावबोध हमें भी पकड़ में आता है। 2000 साल पहले अशोक को अच्छे से पता था कि शेर हमने चुना क्यों, एक विराटता का प्रतीक, एक ताकत का प्रतीक, मगर उसके चेहरे में एक सौम्यता, ताकत का एहसास जिसको कराना है उससे किसी को डराना नहीं है। तुलसी के राम पर चित्र बने, मैं एक दूसरे एंगल में आपको ले चलता हूँ। राम का चित्र पहली बार कहाँ बना, कब बना, अभी बहस करेंगे तो कोई आ जाएगा जय श्री राम बोल करके आपको लिंचिंग करेगा, क्योंकि उसे बहस तो नहीं करनी। राम का कौन सा रूप बना नहीं पता, मुगल काल में बना, चित्र पहली बार मुगल काल में मिलते हैं, चित्रकला का बहुत व्यवस्थित इतिहास उसके पहले है ही नहीं, नंबर एक बात। राजा रवि वर्मा का जिक्र कैसे जुड़ता है इन देवी देवताओं की मूर्तियों में, वो दूसरी बात। तीसरी बात, रामायण आया, टीवी आई तो रामायण आया, रामायण आया तो उस समय बीजेपी नहीं थी, फिर भी धर्म का एक माहौल बनाया गया, तो छवियों का खेल कैसे होता है, मैं वहाँ आपको ले जा रहा हूँ। छवि राम की पेश की गई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि 300 किस्म के राम हैं तो उनमें से एक राम चुने हैं तुलसी के राम, उसके पहले बहुत सारे राम हैं जिसको उन्होंने नहीं चुना, उसमें भी उन्होंने जिस राम को चुना वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो हाथ सौम्य करके चेहरे में एक नम्रता विनम्रता लेकर के खड़े थे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जब अपना राम चुना तो वो उग्र राम, गुस्से में राम, उससे उन्होंने अपने लोगों को संदेश दिया कि राम गुस्से में है। और राम गुस्से में क्यों है, क्योंकि मुसलमानों ने मंदिर गिरा के मस्जिद बना दी। इतिहास में नहीं है लेकिन विश्व हिंदू परिषद की व्याख्या में, RSS की व्याख्या में है। और वहाँ से वो पूरा गुस्से वाला विमर्श आया, रथ यात्रा आई, दंगा हुआ, हजारों लोग मारे गए, सियासी फायदा हुआ, राम मंदिर बन गया। हनुमान जो पूरे समय जिनकी छवि एक जनमानस में बनाई गई, राम के पैर पर बैठ करके बेहद सौम्यता से बैठे हुए हैं। कहीं पूरे भारत में हनुमान की वो मूर्ति नहीं बनी है जिसमें हनुमान गुस्से में हो, राम की पूरे भारत में आज भी कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जिसमें राम गुस्से में हो, लेकिन हनुमान गुस्से में अचानक आए। और ये वही दौर है जब राम गुस्से में आ रहे हैं, जब हनुमान गुस्से में आ रहे हैं, मुसलमानों की लिंचिंग बढ़ जाती है, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, कमज़ोर वंचित शोषित के खिलाफ नीतियाँ पास होने लगती हैं, सड़क पर हम तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को भेजना, उनके पक्ष में टीवी डिबेट करना और पूरे विमर्श को बदल देना अपनी आँखों से देख रहे हैं। मैं इस पूरे तारतम्य में अशोक के स्तंभ को देख रहा हूँ कि इसके पीछे गहरे निहितार्थ हैं, जो इस देश में जिन्हें डराया जा रहा है उन तक अपना संदेश भी पहुँचा दो। तो ये दिखाना, आदमखोर शेर को दिखाना, ये डराने की कोशिश है कि ऐसा आपके साथ हो जाएगा, हिंसक माहौल बनाने की कोशिश है, ये लग रहा है आपको? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मेरे सिलेबस में लगाया है राम काव्य कृष्ण काव्य धारा, संत काव्य कम पढ़ाया जाता है, राम काव्य कृष्ण काव्य ज़्यादा पढ़ाया जाता है। अभी ये सब यहाँ बोल रहा हूँ पता नहीं इसका भी क्या असर होगा, कबीर के वो दोहे पढ़ाए जाएंगे जिनसे आपको कबीर को विरक्ति हो, रैदास के दोहे नहीं पढ़ाए जाएंगे, कृष्ण के रसखान नहीं पढ़ाए जाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए इस बात पर आते हैं कि राम के चित्रण और हनुमान के चित्रण में कहीं वो गुस्सा क्यों नहीं नजर आया? तुलसी ने जो रामचरितमानस लिखा उसमें राम एक ही दो बार गुस्सा करते हैं, बिना अनुमानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीत बीले, बोले राम सकोप तब भय बिन हो, फिर उसका निम्र हो जाते हैं। ये विश्व हिंदू परिषद के राम हमेशा गुस्से में, ये जो अंतर आया है इस अंतर के पीछे एक राजनीति, मैं उस राजनीति पर संकेत कर रहा हूँ। ये राम गुस्से में होना, हनुमान का गुस्से में होना, ये तुलसी के यहाँ नहीं, निराला ने एक राम की शक्ति पूजा लिखी है कविता, लंबी कविता है, उस कविता में भी राम रोते हैं।
राम के मुंह से एक आंसू गिर रहा है, क्योंकि वो राम जान रहे हैं कि ये तो शक्ति जो थी वो तो रावण के पक्ष में। ये राम के नाम पर सियासत करने वाले लोग दरअसल इस देश के कमज़ोर वंचित शोषित लोगों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। उग्रता, हिंसा, नफरत, दमन जिस निर्ममता से आदिवासियों के साथ हो रहा है, बस्तर बकसवा के जंगल में गोली मार दो, कांग्रेस बीजेपी अलग क्या है, लेकिन दोनों ने गोली मार दी, सोनी सूरी का क्या हुआ, आदिवासी आज भी लड़ रहे हैं, और कहा गया मिस्टेक आइडेंटिटी है, गलती हो गई, सॉरी, सॉरी भी नहीं बोला, गलती हो गई बस। दलित मारा जा रहा है, पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, ये सब कुछ जिस हिंसा के माहौल में हो रहा है वहाँ इस चीज़ को बाकायदे इस तरह से पेश किया जाएगा कि हम और आप विमर्श करें कि भाई ये तुमने क्यों कर दिया। इस विमर्श में भी उनका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर हम ये विमर्श नहीं करेंगे तो वो हिंसा स्थापित होती जाएगी। आप अगर हिंसा का विरोध नहीं करेंगे, वो जो शेर के दांत दिख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, अशोक क्या पहचानने में कमज़ोर था, अशोक के मूर्तिकार लोग जो उस ज़माने के स्तंभ ऐसा बनाए हैं आज तक टिके हैं, इनके पुल, इनकी सड़कें चार दिन में बह जा रही हैं, गिर जा रहे हैं, उस अशोक के पास कोई सेंस नहीं था। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीयता का जो आत्म है, भारत की राष्ट्रीयता का जो मूल है, जो उत्स है, ये छेड़खानी उससे है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। ये छेड़खानी हम इस तरफ भी ले जाके देख सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करती है कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, और वो खुलेआम बंच ऑफ थॉट्स और उन तमाम अपनी किताबों में लिखते हैं कि कैसे ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ने की वो बात करते हैं, दलितों के साथ किस तरह से चीज़ें होंगी, वो लिखा हुआ है और वो खुलेआम बयान भी देते हैं। तो क्या ये उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अब हम आपको हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें इसी तरह के हिंसक, आक्रामक, आदमखोर प्रतीकों की ज़रूरत है, शान, सौम्य, समता, न्याय वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मैं सांस्कृतिक पक्षों की व्याख्या करना चाह रहा हूँ। धर्म एक विषय है, हम धर्म पर बहस अभी नहीं कर रहे, लेकिन धर्म में जिन प्रतीकों की ये पूजा करते हैं उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। हर जगह हिंसा को सेलिब्रेट करने का एक कल्चर है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है कि दुनिया के बाकी देशों में नहीं है, धर्म की अपनी एक सीमाएँ हैं, उसमें ये चीज़ होती है। वो जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करना, वहाँ से लेकर विजयदशमी तक आज भी कौन पूजा करता है हथियारों की? आरएसएस करता है। हथियारों की पूजा करना, हथियार चलेंगे किस पर? हिंसा अगर सेलिब्रेट की जाएगी तो हिंसा किसके ऊपर की जाएगी? हिंसा का सामान्य भावबोध, सामान्य समाजशास्त्र और मनोविज्ञान कहता है आप हिंसक उसी के ऊपर होते हैं जो या तो आपसे कमज़ोर है या आपके बराबर है। अमूमन आप अपने से ताकतवर को के ऊपर कभी हिंसक नहीं होते, वरना पाकिस्तान के ऊपर जितना भ्रकुटी तनी होती है वो चाइना के ऊपर भी होती है। हमें पता होता है कि किसको दुश्मन बना के पेश करना है और किसके खिलाफ कोई बात ही नहीं करनी, कोई टीवी भी बहस नहीं करनी है, कोई आंकड़े नहीं जारी करना है कि देश की कितनी ज़मीन चाइना लूट रहा है। यानी हिंसा का अपना एक समाजशास्त्र है, हिंसा का अपना एक मनोविज्ञान है। इस देश में हिंसा किसके ऊपर है? कार्ल मार्क्स से लेकर के बाबा साहब, लोहिया से लेकर के मंडल कमीशन, और पीछे जाइए ना, जिसकी बात हम जिस संदर्भ में कर रहे हैं उस तथागत बुद्ध को याद करते हैं। बुद्ध के सामने एक अंगुली माल बाल डाकू गया, बुद्ध ने बिना कोई हथियार चलाए उसे अपना बना लिया। राम के सामने कोई गया, कृष्ण के सामने कोई गया, किसी देवी देवता के सामने कोई गया, मारा गया या तो भाग गया। बुद्ध के सामने कोई गया हिंसक होकर, मैं हिंसा के कोर से बात कर रहा हूँ, हिंसा को अहिंसा में तब्दील करने वाले नायक विचारक का नाम है बुद्ध। विनम्रता, सत्य, प्रज्ञाशील, करुणा, पूरे ये एक सांस्कृतिक विमर्श है। मैं एक विमर्श का एक खाका देख रहा हूँ, जिस विमर्श के खाके में अहिंसा है, सत्य है, प्रेम है, निष्ठा है, समानता व बंधुत्व है। दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा है जिसके केंद्र में ही हिंसा है, जिसके केंद्र में ही विषमता है, जिसके केंद्र में ही विभाजन है, जिसके केंद्र में ही वह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो आपको एक जगह पर एकजुट करती है ताकि अपने भीतर के शोषण को वो छिपा ले, और जिसको वो अदर करती है अदराइजेशन की पॉलिसी में, मुसलमान उसके खिलाफ दुश्मन बनाएगी और हिंसा दलित पिछड़े आदिवासियों पर ही होगी। इसलिए मैं ओवरऑल हिंसा के पूरे प्रतीक की मजम्मत करते हुए, मैं लिटरेचर का व्यक्ति हूँ, हमारे पूरे लिटरेचर में कहीं भी हिंसा के लिए किसी को उकसाया नहीं जाता। पूरा साहित्यिक विमर्श, पूरा सांस्कृतिक विमर्श, कलाओं की पूरी संरचना अहिंसा के पक्ष में खड़ी होती है।
हमारे यहाँ अंधा युग लिखा गया कि सत्य के सत्य को दोनों पक्षों ने कुचला, पांडवों ने थोड़ा कम, कौरवों ने थोड़ा ज़्यादा। हमारे यहाँ हिंसा पर किताबें लिखी गईं जिन्होंने कहा हिंसा ने विनाश किया। और आज जब पूरी राजनीति दरअसल आरएसएस चला रहा है, मैं क्लियर कट कर रहा हूँ, और आरएसएस के एकात्म मानववाद में, आरएसएस के बंच ऑफ थॉट में, आरएसएस के हिंदू राष्ट्र में, आरएसएस के अखंड भारत में हिंसा का सेलिब्रेशन होगा, ताकि थोड़े से लोग जो बाकी कमज़ोर पर हिंसा करके उन्हें कमज़ोर बनाए रखें, ताकि हमारी मजबूत की हेजमनी बनी रहे, उस दिशा में ये बढ़ रहे हैं। और 2025 तक वो उस हिंसा को लेजिटिमाइज कर देंगे। चौराहे पर आप मार दो, गाली दो, किसी को काटने की बात करो, किसी कुछ भी करो, आप जेल में नहीं जाओगे, आप बिल्कुल जेल में नहीं जाओगे, आपका घर बुलडोजर से नहीं गिराया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमे नहीं होंगे। आप लेकिन दलित हैं, आप पिछड़े हैं, आप आदिवासी हैं, आप मुसलमान हैं, आप महिला हैं, कमज़ोर, शोषित, वंचित हैं, तो वो हिंसा आपके ऊपर लागू होगी। मैं इस पूरे सिनेरियो को इसलिए एक बड़े फ्रेम में देख करके एक छोटी सी घटना नहीं मान रहा। और अक्सर आपको ये समझाया जाएगा कि आप हर चीज़ पर प्रतिक्रिया क्यों देते हैं, मैं तो शुरुआत जहाँ से किया वहीं ख़त्म कर रहा हूँ। वो लोग पत्थर फेंक रहे हैं कि तरंग कितने उठी। हम अगर मनुष्य हैं, हम अगर विचारधारा रखते हैं, हम अगर एक भारत के आइडिया ऑफ इंडिया को मानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, चार कदम पर है संसद भवन, ये संसद भवन को देखने हर व्यक्ति आएगा और उसी एंगल से देखेगा जिस एंगल से तस्वीर दिखाई गई है। उसे कोई सौम्यता नज़र नहीं आएगी, उसे वो दांत नज़र आएंगे। कल को उस दांत से कोई प्रेरित होकर के, जैसे कहा जाता है ना कि राम से प्रेरित होकर के जय श्री राम के नाम पर लिंचिंग हुई ना, राम होते तो क्या गुजरता, अगर कोई राम है तो इस हिंसा से लेकर के राम का रिश्ता क्या होगा। इसलिए वो जो बुद्धिस्ट प्रतीक है, जहाँ से आपने बात शुरू की थी, ब्राह्मणवाद बनाम बुद्धिज्म, ये दो वैचारिक संघर्ष है। मैं अपने को उस बुद्धिस्ट कल्चर में खड़ा होकर के कहता हूँ, हिम्मत तो तुम्हारी नहीं हुई बदलने की, तुमने प्रतीक तो वही रखा, प्रतीक को विकृत करके उसको आत्मसात करना चाह रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये शेर दहाड़ने वाले नहीं, न ये बकरी हैं, ये शेर सौम्यता के प्रतीक हैं, विनम्रता के प्रतीक हैं, ताकत और बल के साथ, ये मेरा मानना है। ये बिल्कुल, और आपने बहुत विस्तार से अच्छे ढंग से ये बात बताई। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ, भारत में कानून है कि भारत राज्य जो है उसके प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जैसे तिरंगा है, आप उसमें कोई रंग नहीं बदल सकते, तिल्लियाँ कम नहीं कर सकते, अशोक चक्र नहीं हटा सकते, राष्ट्रीय प्रतीक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसका स्वरूप नहीं बदल सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो वो देशद्रोह होता है, यानी देश के दुश्मन वाला काम कर रहा है, देशद्रोही काम कर रहे हैं। ये सरकार जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है, इनका काम कानून की नज़र में भी देशद्रोही माना जाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पक्ष आपने अपने सवाल में रखा वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो तो कानून बना हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप तिरंगे का तिल्ली और रंग छोड़िए, उसका नियत आकार है इतने बाई इतने, उसको भी नहीं बदल सकते। तिरंगा सब कुछ नियत आकार में, अगर उसको उल्टा कर दिए तो भी वो गलत माना जाएगा। जनगण मन पढ़ने के लिए भी नियत समय है, नियत मुद्रा है, हालांकि उसमें एक लचीलापन सुप्रीम कोर्ट ने रखा। राष्ट्रीयता के प्रतीकों को इसलिए निश्चित तौर पर एक खांचे में रखा गया ताकि कल को कोई विचारधारा आए, आज आप ताकत में हो, आज इसका हिंदूकरण करते जा रहे हो, कल को कोई और ताकत में आया वो उसका अपने विचार के धारा में मोड़ने लगे, तो राष्ट्र तो एक ऐसा खिलौना बन जाएगा जिसको जो ताकतवर था वो उसे खेलने लगा, इसलिए कानून बनाए गए। एक बात, इसलिए मैं इसके पक्ष में तो हूँ कि बिल्कुल सही, उस कानून को लागू करके लोगों को ये सोचना चाहिए कि सरकार से सवाल पूछे। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है, इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, मोदी अमित शाह जो टीम थी इनके लोगों पर केस दर्ज होना चाहिए। हम लोग ये बात कर रहे हैं, पता चला हमारे ऊपर केस दर्ज हो गया। तीस्ता शीतल वार्ड को जेल में बंद कर दिया, पता है क्यों? क्योंकि तीस्ता को ये कहा जा रहा है कि आप न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गई। तीस्ता के ऊपर केवल यही है, बाकी तुम फंसाने के लिए कुछ भी कर लो। कल को तमाम और लोग हैं जिनको लेकर के ये बात है कि वो जेलों में जा रहे हैं, नाम क्या गिनाए बार बार, हमारे प्रोफेसर, हमारे स्टूडेंट, हमारे एक्टिविस्ट, वो जेल में जा रहे हैं। कानून उनके लिए होता है, कानून कमजोर के लिए होता है। जैसे राम का गुस्सा, हनुमान का गुस्सा और ये चिघाड़ता हुआ शेर, ये कमजोर पर चढ़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि जिस राम को गुस्सा आया एक आध बार चीन की तरफ घुमा दो उस गुस्से को। मैं तो चाहता हूँ कि जिस हनुमान को गुस्सा आया है एक बार इस देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको दवाई नहीं मिल रही है, हनुमान को गुस्सा आया है मैं गरीबों की गरीबी दूर करूँगा। मैं तो चाहता हूँ ऐसा हनुमान मुझे चाहिए, ऐसा कोई एक शेर चाहिए जो दहाड़े चाइना की तरफ,
दहाड़े बेरोजगारी की तरफ, मुझे ऐसा एक शेर चाहिए। मैं इसलिए इस पूरे विमर्श को इस धरातल पर देख रहा हूँ कि असल में मुकदमा नहीं होगा मोदी अमित शाह पर। कल को मुकदमा कोई किसी पर कर सकता है, इसका भी अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। और आखिरी बात, हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि जिन्होंने कानूनों को ताक पर रख करके कानून की रक्षा की शपथ ली है, संविधान के सामने, बाबा साहब के सामने नतमस्तक हो करके बाबा साहब के सपनों के भारत को ख़त्म कर देने की शपथ ली हुई है। आइडिया ऑफ इंडिया की बात दुनिया भर में करने वाले हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, वही बुद्ध के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। हम एक विरोधाभासी युग में आ चुके हैं। मैं एक बात सोचता हूँ, समित जी, मुश्किल वक्त था तो इस मुल्क ने, इस मुल्क की सरजमी ने हमारे विचारकों के बीच में फूले को पैदा किया, शाहू को पैदा किया, पेरियार पैदा किया, अंबेडकर लोहिया पैदा किया, भगत सिंह पैदा किया। ये सब पैदा हुए तो हम आज यहाँ खड़े हैं। और हमारे दौर ने किसको पैदा किया? ऐसे ऐसे सियासतदान जो अंबेडकर, फूले, पेरियार, भगत सिंह, लोहिया, तमाम विचारकों के जो भी मिला था उस सबको नस्तनाबूद कर दिया। तो अगर हम इस सब के खिलाफ नहीं लड़ पाए तो जो उन्होंने दिया था उसके बाद तो केवल ऐसा लगेगा कि हम वो बच्चे हो गए जैसे मतलब एक ऐसा गांव का व्यक्ति जिसके पास कोई ज़मीन नहीं थी, उसके पिता ने संघर्ष किया, सब कुछ किया, उसने ज़मीनें खरीदी अपनी पूंजी से, और उस ज़मीन पर जो उसकी अगली पीढ़ी आई वो नालायक निकल गई क्योंकि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको वो विरोध का स्वर नहीं झेलना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं है मोदी, अमित शाह, ये जो कानून की बात आप कर रहे हैं या ओवरऑल पूरे विमर्श की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम सारे लोग नाकारे और निकम्मे तो नहीं है? वो कुछ भी करते जा रहे हैं, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। वो अशोक के चिन्ह का स्वरूप बदल दिया, ये कोई सामान्य बात नहीं है। किसी को भी दिखाओगे समझ में आएगा। मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ, पटेल छोटी मूर्ति हो, पटेल की बड़ी मूर्ति हो, गांधी की छोटी मूर्ति, गांधी की बड़ी मूर्ति, बाबा साहब की मूर्तियाँ बनी है, चलो नागपुर दिखाएं, बड़ी से बड़ी मूर्ति भी बाबा साहब की, चेहरे का भाव सौम्यता वही है। ये तमाशा जो किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक तमाशा है। इस पर कोई कानून लागू क्या होगा इस पर? क्योंकि राष्ट्र से बड़े वो लोग हैं। कल को विष्णु का अवतार 11वां जो बचा हुआ है कलयुग में, जब जब हुए धर्म के हानि, 12 असुर धर्म बानी, तब तब प्रभु धरि विभीषणिया, हरे की पानी सज्जन पीरा। तो वो जो सज्जन की पीड़ा हरने के लिए अवतार लेने वाले थे वो मोदी योगी हो जाएंगे, और ये सारे लोग अवतार बन करके इनकी मूर्तियां बनेंगी। हम एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं, इसलिए हम कानून पर क्या ही भरोसा करें, हम इनके ऊपर मुकदमे की क्या बात करें, हम तो जनता के विवेक की बात करते हैं, इस मुल्क के बहुसंख्यक आम आवाम की बात करते हैं, जो तर्कशील हो, जो चेतना संपन्न हो। भाई आप देख लो क्या हो रहा है, और अगर इसको नहीं रोक पाए तो आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा। तो ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव थे जिन्होंने अशोक स्तंभ, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ को बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की, और ये सिर्फ मात्र उसका स्वरूप बदल देना नहीं है बल्कि एक बड़ी साजिश की ओर भी इशारा करता है कि क्या आरएसएस बीजेपी के लोग बौद्ध संस्कृति को बदनाम करके अपने हिंसक आक्रामक आदमखोर प्रवृत्ति को, संस्कृति को विस्तार देना चाहते हैं। इस बातचीत पर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।